सबका साथ दें और बेहतर से बेहतर जो हमारे बच्चों के हक में, उम्मत के हक में हैं या अल्लाह वो, और जो सबके लिए बेहतर है अल्लाह हमसे वही काम करा, हमको न मजलूम रख न हमको जालिम बना मालिक। खान अता फरमा, हमको सच्चाई और बुराई के बीच में फ़र्क करने वाला बना, हमको हर किस्म के दुनिया और आखिरत के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह फ्यूचर में किसी भी ऐसे किस्म की अल्लाह हादसे से हमारी तमाम उम्मत को यहाँ पे रोकते हैं कि जो भी सजेशन से आपके क्वेश्चन से आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ईमेल के थ्रू आप बताएं, इंशाल्लाह हर वो मुनासिब कोशिश की जाएगी कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आज की जो प्रेस मीट हुई, क्या उससे आप सहमत हैं? मैं पूरी तरीके से मुतफिक नहीं हूँ प्रेस मीट से। उसमें जो है कई जो है लूपहोल दिए हुए हैं, मैनेजमेंट के काफ़ी गलतियाँ हैं, लीगल प्रोसेस चल रहा है, उनकी गलती एस्टैब्लिश होती है तो उनके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ और भी जो है तो उनको प्रेशराइज करने की कोई बात नहीं हो रही, प्रेशर ग्रुप फॉर्म करने की कोई बात नहीं हो रही, ना स्कूल का मैनेजमेंट जो है एनजीओस को एंटरटेन करता, ना पेरेंट्स, आज तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है। केस हो के एक हफ्ते के ऊपर हो गया, आज तक स्कूल से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो लोग जो है पाबंद कैसा करेंगे? और दूसरी चीज़ जो है, अभी एक एम्प्लॉय से छोड़ के और कितने लोग हैं? हम बच्चों को अगर भेजेंगे भी तो वो माहौल सेफ है नहीं, हमको नहीं मालूम है। दूसरी तरफ हम एज ए पेरेंट हम परेशान ये है कि जो है अगर बच्चे को निकाल के हम दूसरी जगह डालेंगे तो उसके फीस, उसका लॉजिस्टिक्स, उसका वगैरह जो है वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1800 बच्चे हैं, उनके जो है 3,500 पेरेंट्स हैं, तो उसका जो है आप कैसा करेंगे? तो अब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश ये है कि जो है जो भी एक्शन वो लोग ले रहे हैं, जो भी उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिलफौर ख़त्म करें, फिलफौर नतीजे तक पहुंचाएं और जो है हमारे बच्चों को राहत दें, क्योंकि एक बच्ची का इंसाफ चल रहा है, उसके इंसाफ के लिए हम भी लड़ेंगे, लेकिन रोज़ जो है हमारे बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या आप चाहते हैं सेम मैनेजमेंट तक कंटिन्यू करना? इसका जो है इसका ड्यू लीगल प्रोसेस चल रहा है, तो कंटिन्यू करना नहीं करना, अगर लीगल प्रोसेस के बाद में अगर उनकी गलती निकलती है तो वो मैनेजमेंट रिप्लेस होना चाहिए, अगर नहीं निकलती है तो वो कंटिन्यू करें। मैनेजमेंट भी ये बात के लिए सबने क्लासेस नहीं दे रहा है, ना गवर्नमेंट ये चीज़ के लिए बात नहीं कर रही, स्टूडेंट्स कहाँ जाए? गवर्नमेंट जब स्टूडेंट एफिलेटेड करती है तो उन लोग को रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ये चीज़ के लिए, स्कूल के लिए, तो उन लोग क्यों नहीं स्टेप किए ये बच्चों के लिए? स्कूल चेंज कर देना ये स्टेप है क्या? कोई बच्चा जाके नेक्स्ट स्कूल में, खाली मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड में, उसको तो खाली सीखते सीखते स्कूल के वो 2-3 मंथ ऐसे ही निकल जाएगा, वो एग्जाम की प्रिपरेशन क्या करेगा, क्या देगा? आप लोग बोलिए, स्कूल चेंज करना क्या सही तरीका है? नो, नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो। घर में आप लोग उसको बैठ लीजिए, बच्चों के लिए भी सोचिए। आई नो ये बच्चे के साथ ना इंसाफ, उनके लिए सब सोच रहे हैं, लेकिन 1700 बच्चों के साथ ना इंसाफ ही करें, ये किसी को नहीं दिखाई देता। इवन गवर्नमेंट ऑल्सो मैनेजमेंट तो कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी ये चीज़ कर रही है, किसी को सीखा कि 1700 बच्चों के साथ नहीं, छोटे बच्चे जो ये क्वेश्चन करते हैं घर में बैठ कर कि हमारा स्कूल का बंद स्टार्ट हुआ, जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इन लोग को क्या फील होना चाहिए? क्या हम एक्सप्लेन करें उन लोग को डिटेल वन बाय वन कि तुम्हारे स्कूल में इस तरीके से हुआ बेटे, या हुआ या नहीं हुआ वो तो गवर्नमेंट देखेगी। हम तो ये चीज़ को कुछ भी बोलना नहीं चाहेंगे ये लोग, बस हमारे स्टडीज हमारे बच्चों की चाहिए, एज ए पेरेंट बस यही चाहिए, गवर्नमेंट से भी यही चाहिए। शट डाउन करना इज नॉट ए रीजन, उसका सलूशन ही नहीं है शट डाउन करना। हाँ ये बोलते हैं वैसे कई इंस्टीट्यूट में ये वाकई हो गए हैं, तो शट डाउन हो गए हैं क्या वो इंस्टीट्यूट? नॉट एट ऑल, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन ख़राब होगी ये सोच कर नहीं किए, तो ये स्कूल को क्यों शट डाउन कर देना चाहिए? गिव मी द रीज़न, गवर्नमेंट ये चीज़ के रीज़न भी देना चाहिए ना शट डाउन करने को। ठीक है, हम मानते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल एवरीथिंग, अदर स्कूल्स में भी तो ये चीज़ नहीं है, तो मैनेजमेंट वहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, शट डाउन हो गए वो बच्चों की पढ़ाई ख़राब हुई नहीं हुई, फिर हमारे बच्चों की पढ़ाई